हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी दही की अरवी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। खाने में बहुत टेस्टी होती है, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए दही की अरवी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं 1/2 kg अरवी। अरवी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। एक कुकर ले लेते हैं। कुकर में हम सारी अरवी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाफ कप पानी डाल देते हैं। अरवी को हम बॉईल करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम गैस में हम एक विजल आने तक अरवी को बॉईल करेंगे। एक विजल आ चुकी है। गैस को हमने ऑफ कर दिया था और कुकर भी ठंडा हो चुका है। ओपन करके चेक कर लेते हैं कि अरवी पकी है या नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी अरवी पककर तैयार हो चुकी है। हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं अरवी को। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम छील लेते हैं अरवी को। अरवी को हमें हमेशा एक बजल में ही बॉईल करना चाहिए। एक्स्ट्रा कुक करने से क्या होता है कि अरवी फैल जाती है, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं आता और जो भी हम रेसिपी तैयार कर रहे होते हैं वो परफेक्टली तैयार नहीं होती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें जब बॉयल करें। तो आप देख सकते हैं हमने सारी अरवी को अच्छे से छील लिया है। हम राउंड पीसेस में कट कर लेते हैं अरवी को। अरवी के पीसेस हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। इसे हम साइड में रखेंगे। कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ाएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1/3 स्पून मेथी के दाने डाल देते हैं। 1/4 स्पून हींग डाल देंगे। 1/3 स्पून मस्टर्ड सीड्स डाल देते हैं। 1 स्पून हम करी लीव्स डाल देंगे। कट करके लिया है हमने करी लीव्स को। थोड़ा सा अदरक, कुछ लहसुन की कलियां और एक हरी मिर्च को हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया था, उसे भी डाल देते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं ऑयल के साथ। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर डाल देते हैं। 1/3 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। वन टेबल स्पून बेसन डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल लम्स नहीं पड़ने चाहिए। मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। जो हमने अरवी के पीसेस कट करके रखे थे, सारी अरवी के पीसेस को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और मसाले के साथ फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। वन टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरवी को हमने अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। हम ले लेते हैं 1/2 kg बटर मिल्क। बटर मिल्क को भी हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। कढ़ाई में जब हम बटर मिल्क को ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। एक बॉयल आने तक हम कंटिन्यू चलाएंगे, मिक्स करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं अरवी में बॉयल आ चुका है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम करेंगे और लीड लगा देते हैं। 5 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं।
तो बिल्कुल परफेक्ट, हमारी मीठे की अरवी पककर तैयार हो चुकी है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम अरवी को रेस्ट में रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हम एक बाउल ले लेते हैं। बाउल में हम सर्व कर देते हैं मीठे की अरवी को। 15 मिनट रेस्ट में रखने से क्या हुआ कि हमारी जो मटे की अरवी थी बहुत लिक्विड लग रही थी, तो थोड़ी थिकनेस आ चुकी है हमारी मटे की अरवी में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारी मटे की अरवी बनकर बिल्कुल रेडी है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत टेस्टी होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।